हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पाइथन जेंगो पे बने हुए प्रोजेक्ट का डेमो दूंगा, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम। सो फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ किए हैं, फ्रंट एंड बैक एंड क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं इसका आउटपुट। तो ये आप देख रहे हैं इसका फ्रंट पेज, एंड दिस इज़ दी अबाउट पेज, एंड दिस इज़ एडमिन लॉगिन पेज। तो पहले मैं आपको एडमिन से लॉगिन करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आप चाहें तो बैक टू होम कर सकते हैं, एंड यहाँ से हम एडमिन से लॉगिन करते हैं। तो एडमिन का नाम और पासवर्ड मैंने ऑलरेडी स्टोर कर लिया है डेटाबेस में। क्रिएट सुपर यूज़र कमांड का यूज़ करके हम एडमिन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, अगर हमने यूज़र नेम पासवर्ड करेक्ट दिया होगा तो। एंड आप देख रहे हो यहाँ पे एडमिन का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे जो नीचे कॉपीराइट वगैरह की इन्फॉर्मेशन है, वो आप एडमिन होम पेज पे जाके चेंज कर सकते हैं। नाम वगैरह आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं वो काउंट होके आ रहे हैं, टोटल कनेक्शंस कितने हैं वो काउंट होके आ रहे हैं, एंड टोटल बिल्स कितने हैं वो काउंट होके आ रहे हैं। एंड व्यू डिटेल्स पे जाके आप इनका ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, तीन रिकॉर्ड्स, वो देख सकते हैं। कोई अगर हम नया रिकॉर्ड एड करेंगे तो यहाँ पे ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर मैं किसी को डिलीट करूँगा रिकॉर्ड को तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये जो काउंट होके आ रहा है वो डायनामिक है। मैं आपको कस्टमर ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ से हम कस्टमर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक कस्टमर बना लिया, मैंने नाम दे दिया, लास्ट नेम दे दिया, कॉन्टेक्ट नंबर दिया, ईमेल आईडी दे दिया, एड्रेस, सिटी, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके मैं सबमिट करूँगा तो एक नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम में हम क्या करेंगे, कस्टमर ऐड करेंगे, देन उसके नाम से कौन कौन से कनेक्शन है वो ऐड करेंगे। एक कस्टमर के मल्टीपल कनेक्शन भी हो सकते हैं, हो सकता है उसने इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल कनेक्शन अपने नाम से लिए हों, एंड उसका जो बिल जनरेट करेंगे वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो आप देखो अब यहाँ पर चार रिकॉर्ड्स हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हो ये फोर हो चुका है। एंड किसी को अगर एडिट करना है तो हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। जैसे रोहित नाम का एक कस्टमर है, इसका मुझे डेटा एडिट करना है। मैंने यहाँ पे लास्ट में 6 जीरो की जगह 9 जीरो कर दिया, या फिर 9 8 कर दिया, कुछ भी मैंने अपडेट कर दिया। अपडेट करके मैं चेक कर लेता हूँ तो ये अपडेट हो रहा है। ओके, आपको डिलीट करना है रिकॉर्ड को तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। एंड यहाँ से हम कनेक्शन ऐड कर सकते हैं, तो जितने भी कस्टमर होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आ जाएगी विथ ईमेल आईडी, ठीक है, क्योंकि नाम एक जैसे भी हो सकते हैं, तो इसीलिए हमने साथ में ईमेल आईडी भी दे दिया है। एंड अब हम यहाँ पे 10 डिजिट का कनेक्शन आईडी बताएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कनेक्शन आईडी दे दिया 2345678 9, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आईडी दे दिया 2 4 6 7 8 9 10, 10 डिजिट्स का मैंने ये आईडी दे दिया। ओके, एंड यहाँ से मैं कस्टमर को सिलेक्ट कर लूँगा, कनेक्शन का टाइप क्या है, ठीक है, जो आपका आप जो कनेक्शन लोगे इलेक्ट्रिसिटी का वो कमर्शियल है या रेसिडेंटल है, तो मैंने रेसिडेंटल सिलेक्ट कर लिया। एंड कनेक्शन कब से स्टार्ट हुआ है वो हम बता देंगे, तो मैंने यहाँ पर कोई सी डेट सिलेक्ट कर ली पिछले मंथ की, एंड ऑक्यूपेशन बता दिया, ठीक है, लोड बता दिया कितना आपका लोड रहेगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। आप कभी भी आप अपना कनेक्शन लेते हो तो उसमें एक पार्टिकुलर लोड होता है, रेसिडेंटल का अलग होता है एंड कमर्शियल का अलग होता है। फिर आपका ये जो कनेक्शन हो किस जगह पे है वो आप बताओगे, एंड किस सिटी में है, पिन कोड क्या है, एड्रेस क्या है, स्टेट क्या है, डिस्क्रिप्शन, कुछ अगर डिस्क्रिप्शन देना है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। मैंने लिखा जस्ट न्यू कनेक्शन, सबमिट कर दिया, तो ये डेटा ऐड हो चुका है। तो आप देखो एक नया डेटा यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, एंड इसका पूरा डिटेल मुझे देखना है तो मैं यहाँ पे जाके देख भी सकता हूँ और इसको एडिट भी कर सकता हूँ। ओके, ठीक है, ये डेटा हम एडिट भी यहाँ से कर सकते हैं। ये स्टार्ट डेटा आ गई, मुझे चेंज करना है तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ,
ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं पिन कोड चेंज करके देखता हूँ, या फिर सपोज मैं ओके पिन कोड चेंज कर लेता हूँ, 41 की जगह मैंने 65 कर दिया, सबमिट कर दिया, तो ये अपडेट हो गया। एंड अब मैं देखता हूँ यहाँ पे पिन कोड चेंज हो चुका है। ओके, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, मैंने लिखा रेसिडेंटल, तो रेसिडेंटल में जितने कनेक्शन होंगे वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, आप किसी भी नंबर से सर्च करना है कनेक्शन आईडी से, तो कनेक्शन आईडी से आप सर्च कर लें, तो ये कनेक्शन आईडी से सर्च हो गया। इसी तरह अब आपको बिल जनरेट करना है, जो बिल ऑलरेडी हम एड कर चुके हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, पेड किए गए हैं या नहीं पेड किए गए हैं। कोई नया मुझे ऐड करना है तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। मुझे कंज्यूमर आईडी लेना है, मतलब किसके लिए मुझे बिल जनरेट करना है एंड किस मंथ का बिल जनरेट करना है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे लिया नवंबर, करेंट रीडिंग हमने बता दिया कि अभी आपका रीडिंग 200 है एंड पहले आपका रीडिंग 100 था, तो ये टोटल यूनिट्स अपने आप कैलकुलेट होके आएंगे। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ प्रीवियस रीडिंग आपका 150 था, तो यहाँ पे 50 आ गया, मैंने लिखा 130, तो ये 200 - 130 होके 70 यूनिट्स दिखा रहा है। एंड चार्ज पर यूनिट मैंने बताया कि 7 रुपीज़ है, तो ये 70 × 7 होके यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है, एंड यहाँ पे आप बता दोगे ड्यू डेट आपको कब तक ये आपको बिल पे करना है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया 5 डेट को आपको पे करना है, 5, या मैंने ले लिया ठीक है, मैं यहाँ पे कोई दिसंबर का डेट ले लेता हूँ, 25 ले लिया। ओके, सबमिट कर दिया एंड ये आप देखो डेटा हमारा ऐड हो चुका है। डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। अभी आप देखो यहाँ पे ये पेड नहीं किया हुआ है, तो ये नोट पेड बता रहा है। एंड अब मैं इसको पे करना चाहता हूँ, तो बिल को कस्टमर कैसे सर्च कर सकता है, पहले मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये चेंज पासवर्ड है एंड यहाँ से आप देखो ये नंबर वगैरह सब चेंज हो रहे हैं। अब हमारे पास 4 बिल्स हैं, तो ये 4 आ गया। यहाँ से हम लॉग आउट कर सकते हैं, लॉग आउट का ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है, दिस इज़ दी टॉगल ऑप्शन। यहाँ से मैंने लॉग आउट किया, अब यहाँ से कस्टमर अपना कंज्यूमर नंबर प्रोवाइड करके बिल को देख सकता है कि बिल न्यू बिल कितने हैं। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया, कंज्यूमर नंबर सबमिट किया, तो जो भी न्यू बिल्स होंगे जो अभी तक पेड नहीं किए गए हैं उनका लिस्ट यहाँ पे आएगा। अगर पे कर दिया है तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। ठीक है, जैसा कि हम किसी भी एप्लीकेशन में देखते हैं ऑनलाइन बिल पे करते समय कोई भी न्यू बिल होता है तो वो हमें डिस्प्ले होता है, अदरवाइज़ बिल नहीं आता है। तो अभी ये पे नहीं किया गया है, तो इसका स्टेटस क्या है, नोट पेड है, पे नाउ पे गए। एंड यहाँ पे एक डमी पेमेंट पेज मैंने बनाया हुआ है, तो मैंने कुछ कार्ड नंबर एंटर कर दिया एंड मंथ बता दिया, ईयर बता दिया, सीबीसी, ठीक है, अमाउंट ही अपने आप जो उसका था वो आपको यहाँ पे अपने आप मिल जाएगा। एंड पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो बिल पेड सक्सेसफुल आ गया। एंड अब आप देखेंगे अगर उसी नंबर से सर्च करके, तो आपको वो बिल नहीं मिलेगा क्योंकि वो पे कर दिया गया है। एडमिन अगर जाके देखेगा तो उसको अब वहाँ पे पहले नोट पेड आ रहा था कि पे नहीं किया गया है, अब वो पे कर दिया जा चुका है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो आप देखो यहाँ पे ये पे कर दिया जा चुका है, तो यहाँ पे ये पेड आ गया। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज़ दी इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम प्रोजेक्ट इन पाइथन डीजेंगो। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किए हैं। तो सॉफ्टवेयर जो मैंने यूज़ किया है, पाइथन का इंटरप्रीटर, पाइथन का कोई भी प्रोग्राम होगा, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, उसके लिए आपको पाइथन इंटरप्रीटर तो इंस्टॉल करना पड़ता है। फ्रेमवर्क आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सॉरी, फ्रेमवर्क तो मैंने जेंगो यूज़ किया है, फ्लास्क फ्रेमवर्क पे भी लोग करते हैं, बट इस एप्लीकेशन के लिए मैंने स्पेशली जेंगो यूज़ किया है। आईडी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आईडी आप चाहें तो पाईचाम यूज़ कर लें या फिर वीएस कोड का यूज़ कर लें। एंड जो ब्राउज़र है वो भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेमवर्क यहाँ पे जेंगो है। एंड फ्रंट एंड की बात करूँ तो फ्रंट एंड में डिज़ाइनिंग के लिए HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट है। बैक एंड में हमने जो लॉजिकल कोड किया है वो पाइथन का यूज़ करके किया है, डेटाबेस हमारा SQLite है एंड फ्रेमवर्क हमारा जेंगो है।
अगर आप इसका सोर्स कोड परचेस करना चाहते हैं विथ रिपोर्ट एंड पीपीटी, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।